हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको गैस बनती है, बदहजमी रहती है, कच्ची डकार आती है, जैसे पेट फूलने जैसी समस्या रहती है, गैस एसिडिटी की समस्या रहती है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर किए हुए बहुत जल्दी से बताना शुरू करती हूँ। मैंने वो चीज़ें ली हैं जो आपके किचन में हमेशा मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हींग। हींग आपके किचन में हमेशा रहती है, बहुत ही आसानी से आप इसे यूज करके अपनी गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम की समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने लिया है काला नमक। काला नमक आपको भी पता है, इसका मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है छाछ के साथ, और ऐसे भी सब चीज़ों में ये पेट की समस्या को काफ़ी दूर करता है। तीसरी चीज़ हमने लिया है अजवाइन, जो कि अजवाइन को हमने पाउडर बना के रखा हुआ है। अगर आपके पास अजवाइन पाउडर नहीं है तो आप साबुत अजवाइन भी ले सकते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हैं गैस, बदहजमी, खट्टी डकार, एसिडिटी, सभी चीज़ों के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इन्हें आप ज़रूर आजमाएँ। अब चलिए बताती हूँ इसको लेना कैसे है और इनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आपको खाने वाला चम्मच लेना है, जो एक चम्मच होता है छोटी चम्मच, जो स्टील की जिससे हम खाना खाते हैं, उसे लेना है। और उसमें डालना है एक चुटकी से एक चुटकी हींग। ये देखिए, कुछ इतनी सी हींग लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा मैं निकाल लेती हूँ। एक चुटकी हींग ही लेना है, क्योंकि मात्रा को बराबर आपको ध्यान दे के ही लेना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते कि हम इकट्ठे खा लें तो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एक चुटकी हींग लिया। अब इसमें हम काला नमक डालेंगे, तो काला नमक इसका दोगुना डालेंगे, जितनी हींग है उतने से दोगुना ज़्यादा काला नमक। अब हम इसमें काला नमक को ऐड कर देते हैं। और अजवाइन आपको कितनी लेनी है, जैसे कि एक चुटकी हींग, दो चुटकी काला नमक और चार चुटकी से आपको अजवाइन लेना है। इस तरह से आपको तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। ये आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ये आपको आपकी भूख को भी बढ़ाएगा, आपकी पेट की सारी समस्याओं का समाधान करेगा, गैस की समस्या का समाधान करेगा। और ये जैसे कि अजवाइन होती है, कब्ज को भी दूर भगाती है। हींग भी काफ़ी, गैस नहीं रहेगी तो कब्ज भी थोड़ा कम ही हो जाएगी, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अब हमने चार चुटकी इसमें अजवाइन डाल दिया है। इस तरह से आपको लेना है अजवाइन, चार चुटकी लेना है, जैसे कि 100 ग्राम अजवाइन, 25 ग्राम ये हींग और 30 से 40 ग्राम नमक। इस तरह से आपको चूर्ण बनाना है। तो एक बार के लिए चूर्ण हमारा बनकर तैयार हो गया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे ये देखिए चम्मच में ले लेती हूँ। अब इसे लेना कैसे है, आप जब भी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जब भी खाते हैं, तब भी आप इसे खाने के बाद, खाने के तुरंत बाद इसे ले लीजिए। इसे फाकने के बाद आपको गुनगुना पानी पी लेना है। अगर आप ऐसे नहीं, इसमें घोल कर भी लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। इसे इसमें डालकर घोल लीजिए और एक ही बार में पी जाइए। अगर पी सकते हैं तो वो काफ़ी लाभदायक है, अगर नहीं पी सकते हैं तो इसे फाँक लीजिए। फकनी के रूप में फाँक लिया और ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया, ये आपकी गैस को ख़त्म करेगा, ये आपकी बदहजमी को ख़त्म करेगा, ये खट्टी डकार, पेट फूलना, ये काफ़ी समस्याओं का समाधान होगा इससे, अगर आप नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं। जैसे कि हमने बताया, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में लंच के बाद, रात में डिनर के बाद, तीनों बार आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी गैस जैसी समस्या एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर आजमाएं। फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी, नई जानकारी या नई रेमेडी लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।